करते हैं कारागार आराम लग रहा है पागलपन है ये एक फनेटिक एटीट्यूड है लेकिन अच्छी बात क्या है कि हुकूमतें जमाने नहीं बनाती हैं और चलती भी नहीं है जमाने जबान सड़क पे आदमी चलाता है सड़क पे आदमी चलाता है इस मुल्क में सैकड़ों साल तक पर्शियन कोर्ट लैंग्वेज थी तो कौन से सड़क पे पर्शियन बोलते हुए लोग मिलते हैं कोई नहीं बोलता हमारी जो लैंग्वेज है वो दो होती है एक सरकारी एक जनता की आवाम की आम आदमी की वो चलती रहती है और ये वही इस्तेमाल होगी जहाँ इस्तेमाल करने वाले को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप समझते हैं कि नहीं समझते लेकिन जब प्राइवेट चैनल होगा जिसमें फ़ायदा नुकसान जुड़ा हुआ है और परवाह है वो जो आदमी बैठा है अगर नुकसान हो गया तो निकाल दिया जाएगा मालिक रखेगा नहीं उसे मालिक ने उसे ये सैलरी जो दे रहा है मालिक वो भाषा की सेवा के लिए नहीं दे रहा है वो दे रहा है कि चैनल चलना चाहिए तो फिर वो तो ऐसी ही ज़बान इस्तेमाल करेगा जो सबकी समझ में आए तो आप देख लीजिए कि जो डिफरेंट चैनल्स हैं उसमें भाषा का प्रयोग क्या कहाँ कैसी बोली जाती है जब मुझे परवाह ही नहीं है कि किसी की समझ में आते गए तो मैं नोटिस लिख के भेज दूंगा जो भी ये जो FIR एक तो मुझे ये नहीं मालूम कि पब्लिक क्यों FIR पढ़ेगी FIR तो आप पढ़ेंगे तो आपको मुश्किल होती है वो अलग बात है बता दीजिए वो होती भी होगी तो कौन सी भाषा आप जानते हैं वो बताइए लेकिन ये कि आम आदमी का FIR से क्या वास्ता है कि साहब ये लैंग्वेज आम लोगों की समझ में नहीं आती इसलिए आप FIR में मत यूज कीजिए आर्ग्यूमेंट ही चुपेल है वो अगर आम आदमी लफ्ज इस्तेमाल कर रहा है और आपको उसे मना करना पड़ रहा है तो इसका मतलब वो ये शब्द को समझता है तभी तो इस्तेमाल करता है तो ये तो काउंटर अपने अंदर है उसका आर्ग्यूमेंट जो है उसका ऑपोजिशन उसके अंदर छुपा है आज से कोई भी ये वर्ड इस्तेमाल नहीं करेगा मतलब लोग ये वर्ड इस्तेमाल करते हैं तो फिर कौन नहीं समझता जो नहीं समझता वो तो इस्तेमाल ही नहीं करेगा